माँ प्लीज़ माँ, एक बार आके गले लगाओ माँ। इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ, सिर्फ आपका गोद चाहिए। प्लीज़ माँ, आकर एक बार गले लगाओ माँ, प्लीज़ माँ। फ्रेंड्स, ये शब्द था वो लड़की का रोज का प्रेयर, क्योंकि जो होते हैं किस्मत वाले सिर्फ उनकी माँ होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बड़ों का कहना है हमेशा माँ को इज्जत दे, क्योंकि जो होते हैं किस्मत वाले सिर्फ उनकी माँ होती है। आज हम बात करेंगे इस लड़की के बारे में, वो है बदकिस्मत वाली, क्योंकि उसका पूरा ज़िंदगी में माँ का शब्द ही नहीं था। फ्रेंड्स, ये कहानी सुनने के बाद आपका आंखें तो भर जाएंगे, उससे भी ज़रूर आज के बाद आप माँ का इज्जत करना सीखेंगे। ये लड़की 2 साल की बच्ची थी तभी इसका माँ गुजर गई। इसका नानी ने इसको पाला, बाद में इसका पढ़ाई के लिए नानी ने लाकर हॉस्टल भेज दिया और हॉस्टल इंचार्ज से बोला हाथ जोड़कर, फादर, इसका माँ बाप नहीं है, आज से आप ही इसका माँ और बाप है, इसको शिक्षण दे। थोड़ा साल के बाद नानी भी गुजर गई और ये लड़की अकेली हो गई। हॉस्टल में ही रहती, कभी कभी हॉस्टल को नानी आती थी, कुछ तो खाने के लिए लाती थी और खिलाती थी। अभी इस बच्ची को कोई नहीं था। जब हॉस्टल में छुट्टी रहता था, स्कूल छुट्टी रहता था, सब बच्चे स्कूल गांव चले जाते थे, घर चले जाते थे, ये बच्ची किधर भी नहीं जाती थी, हॉस्टल में ही रहती थी। बच्ची का हालत ऐसा हुआ था फ्रेंड्स, ये बच्ची ना खाती थी, ना पीती थी, ना सोती थी, ना पढ़ती थी, सिर्फ रोती थी और बोलती थी मेरे को माँ चाहिए, माँ एक बार आ जाओ, माँ मेरे को गले लगाओ, माँ इस दुनिया में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, माँ सिर्फ आपका गोद चाहिए माँ। रोज़ यही बोलती थी और रोती रहती थी। वैसा ही थोड़े दिन के बाद बच्ची का हालत बहुत बिगड़ गया था, बच्ची बीमार पड़ी। तब हॉस्टल का इंचार्ज रेवरेंट फादर ने उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और खुद से भी ज़्यादा उसको प्यार किया, अच्छा एजुकेशन दे दिया और एक अच्छा इंसान भी बनाया। इस लड़की ने 10th तक तो एजुकेशन कंप्लीट किया, आगे पढ़ने के लिए इसका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए रेवरेंट फादर ने उसको टेलरिंग क्लास को भेजा। आते जाते वक्त टेलरिंग क्लास को बीच में एक लड़का मिलता था उसको, गैरेज वाला। उस लड़का का साथ इस लड़की का फ्रेंडशिप हुआ, लव हुआ। इस लड़की को समझाने के लिए हम और फादर ने बहुत बार ट्राई किया, ये लड़की नहीं सुनती थी क्योंकि प्यार अंधा होता है। 2 महीने के बाद एक दिन लड़की क्लास को चले गई, वापस नहीं आई, शाम तक नहीं आई। सब लोगों को टेंशन हुआ था, इधर उधर ढूंढ रहे थे। बाद में पता चला वो गैरेज का लड़का भी नहीं था, वो 2 लोग भाग गए थे। रेवरेंट फादर ने सब जगह ढूंढा और बाद में पुलिस कंप्लेंट किया। 2 दिन में लड़की तो मिल गई, फिर आके वही तरीके, फिर आने के बाद हम लोगों ने प्यार से समझाया उसको, ये गलत है, वही लड़का का साथ शादी कर देंगे आपको, फादर से रिक्वेस्ट करके, प्लीज़ ऐसा काम मत करो यार। लड़की रेडी नहीं थी सुनने के लिए। और 1 हफ्ता हम लोगों ने बहुत नज़र रखे थे उसका पास, तो बाद में 1 हफ्ते के बाद फिर गई, भाग के गई। इस बार 10 दिन के बाद मिली, सब कुछ हो चुका था, हम लोगों को बहुत बुरा भी लगा, तो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने डिसाइड कर दिया चलो जाने दो। और फादर भी बहुत टेंशन में था, हम लोगों ने सब फादर को भी समझाया चलो जाने दो, खुश रहने दो। बच्चे को 2 साल हुआ चले गए थे, 2 साल में 2 बच्चे भी हुए थे, और आदमी को अभी बुरा हो बोर लग रहा था, वो लड़की शायद छोड़ के दूसरा लड़के को लेके चले गए। ये औरत और लड़की 2 छोटे छोटे बच्चों का साथ एक घर में थी। बच्चे बहुत छोटे थे इसलिए वो लड़की काम के लिए नहीं जा रही थी, घर में, उस घर में, इस घर में
मांग मांग के खा रहे थे। हम लोगों को वो भी पता चला। फादर ने ये दो लोगों को मिलवाने के लिए बहुत ट्राई किया, बट बिल्कुल लड़का बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और ये पागल लड़की बोल रही थी, नहीं है, मेरा पति आ जाएगा, आज नहीं तो कल मेरा पति आएगा वापस। हम लोगों को पता था वो आदमी नहीं आने वाला, क्योंकि उस आदमी को पता था इस लड़की का आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है, वो है फादर। इसलिए वो लड़का ने ठीक से फ़ायदा उठाया था और दूसरा लड़की का साथ चले गया था। बहुत दिन के बाद हम लोगों को मैसेज मिला, ये लड़की ने सुसाइड कर दिया। हम तुरंत गए, क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। हाँ, ये लड़की ने सुसाइड कर लिया था। बाद में वो बच्चे लोगों को सब फादर ने सेटल कर दिया। मेरा दिमाग में तब से एक ही क्वेश्चन आता है, अगर उस लड़की का मां रहता, इतना कुछ हो सकता था? पता नहीं। फ्रेंड्स, ये लड़की अपना पूरा जिंदगी माँ के लिए तड़पती रही और रोती रही, और उसको पता भी था माँ के बिना जिंदगी अधूरी है और जीना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी अपने खुद की गलती की वजह से इस दो बच्चों को भी अनाथ करके गई। ये मेरा विनंती है आपका पास, जिंदगी में कुछ भी हो, सुसाइड जैसा गलत काम मत करो। फ्रेंड्स, आपका बड़ों का और माँ का बातें सुनो, और आप दिन में कितना भी बिजी रहने दो, एटलीस्ट एक बार आपका माँ का साथ बात करो, क्योंकि इस दुनिया में वो एक ही पर्सन है आप ही के लिए हर समय पूरा अपना जिंदगी त्याग करने के लिए तैयार रहती है। माँ तो माँ होती है यार। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आपका फ्रेंड्स लोगों का साथ में भी शेयर करो। हम मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक आपको माँ को प्यार करो, इज्जत दे दो और हमेशा खुश रखो। थैंक यू, बाय, नमस्ते।